चाहे अल्पेश ठाकुर का इंटरव्यू हो या इससे पहले हार्दिक पटेल का इंटरव्यू, उससे पहले हमने नरोदा पाटिया से रिपोर्ट कर आपको बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात दंगे के दोषी की बेटी को टिकट दिया है और वो पिता अपनी बेटी का प्रचार भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने कई रिपोर्ट यहाँ से की है जो धीरे धीरे आप तक पहुँचेगी। ये रिपोर्ट हम एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि बिना किसी पक्षपात के खबरें आप तक पहुँचें। न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें। सहयोग देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और दक्षिणी गांधीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका जो नाम आया है वो काफ़ी देरी से आया है, इसके पीछे कोई खास वजह थी या बातचीत पहले से चल रही थी? नहीं नहीं नहीं, कोई खास वजह नहीं थी। पार्टी ने अपने तय पे अपने सब वक्त पे कर दिया है। एक यहाँ के सिटिंग विधायक भाजपा के ही थे और मैं देख रहा था तो जब से ये सीट बना है तब से बीजेपी ही जीत रही है, तो उनका टिकट काटा गया, वो दो बार चुनाव जीते हैं और कुछ एक पोस्टर भी लगे थे आपके खिलाफ, हालांकि अब वो हटा दिए गए हैं, तो कोई नाराजगी भी है या सब मिलजुल कर अब आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो एज का क्राइटेरिया होता है, वो एज के क्राइटेरिया की वजह से उनका काटा नहीं है। क्राइटेरिया की वजह से उनको इस वक्त बोला गया है कि आप रहने दीजिए। जब चीफ मिनिस्टर को बोला गया है तो फिर हर विधायक जो भी एज होगी उनकी सबको बोला गया है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ये कि भाजपा के अंदर टिकट मारने का सबको अधिकार है, जब टिकट का बंटवारा हो जाता है तो सभी लोग कमल को जिताने में लग जाते हैं। आप 2017 में जहां से चुनाव जीते थे उपचुनाव में वहां से हार मिली, आप वहां से इस बार अपना क्षेत्र बदल के यहां आ गए, कोई खास वजह या जो उपचुनाव में हार मिली उससे आपने कोई एक सबक लिया कि नहीं अब वहां से नहीं लड़ना इधर से लड़ना? देखिए यहां पे पार्टी तय करती है कि किसको कहां से लड़ना है। मेरी पार्टी ने तय किया मुझे इधर लड़ना है, इसलिए मैं इधर आ गया। आप गुजरात के बड़े नेता माने जाते हैं ओबीसी समुदाय के, जब आप आंदोलन करते थे, जब आप एक्टिविज्म करते थे, तब आप शराबबंदी को लेकर आंदोलन करते थे, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, अब क्या आपको लगता है कि स्थिति यहाँ बेहतर हो गई है या अभी भी वही स्थिति? देखिए गुजरात की स्थिति तो बेहतर है ही है, थोड़ी बहुत कमियाँ होगी तो उसकी वजह से हम लोगों का जो आंदोलन चला वो थोड़ी बहुत कमियों की वजह से चला होगा, उसलिए चला था। बट ऐसा नहीं है कि गुजरात में स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति बहुत अच्छी है। और गुजरात के अंदर 27 साल से अगर भाजपा आ रही है तो हर तबके की खुशहाली के लिए भाजपा काम कर रही है, उसी वजह से सरकार बन रही है। शराब को लेकर आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी हाल ही में जिस राज्य में लंबे समय से शराबबंदी है वहाँ 40 से ज़्यादा लोगों की मौत शराब पीने से हो गई थी, आपको नहीं लगता कि ये एक लापरवाही है, उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए? नहीं देखिए, वो स्ट्रिक्टली शराब पाबंदी कर दी तो एक तरह से इस जहर का वेपला करने वाले लोगों ने केमिकल शराब बनाना शुरू कर दिया और मजदूर लोगों को केमिकल वाली शराब पिला दी। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उन सबके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, SIT बनी है और सबको खिलाफ कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है। वो शराब पीने की वजह से जो लोग गए उन सबके लिए मैं भी वहाँ गया था, संवेदना है मेरी, बट वो केमिकल कांड जो हुआ और शराब वो नशा करने के लिए लोग केमिकल के ओर मुड़े तो ऐसे दोषियों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने भी प्रयास किया, मैं चाहता हूँ कि गुजरात का हर युवा, गुजरात के हर घर के अंदर नशा मुक्ति हो और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें भ्रष्टाचार है, बिना प्रशासन की मिली भगत के शराब नहीं मिल सकती? बार बार बोलता रहता हूँ ना कि भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसरों की वजह से जो भी कुछ गड़बड़ी होती है तो इन लोगों की वजह से होती है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मोरबी एक बहुत बड़ी घटना है और हाल ही में हुई है, वहाँ पे भ्रष्टाचार का एक और नमूना आया कि 2 करोड़ दिया गया था खर्च करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और 12 लाख खर्च हुआ। उसमें भी आप देखिए कि जो कंपनी के मालिक हैं उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये मतलब ऐसे भ्रष्टाचार को जगह देना नहीं है? देखिए गुजरात के अंदर ये जो भी कुछ हुआ है, मोरबी की जो दुर्घटना हुई है, सभी लोगों ने संवेदना व्यक्त की है और उसके खिलाफ कार्यवाही भी चल रही है। पर जो सवाल आप करना चाहते हैं, जैसे मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप बोलते हैं गुजरात में भ्रष्टाचार है, गुजरात की भाजपा की सरकार ईमानदारी से लोगों के लिए काम कर रही है,
और उनके लिए जब काम कर रही है तभी तो 27 साल से सरकार में है। बट ऐसी जो दुर्घटनाएं होती है और उसके लिए जो भी जिम्मेदार होता है, मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषित होगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर अभी तक FIR में नाम नहीं है, सरकार आप ही की है, और अगर जब करप्शन हुआ है 2 करोड़ में से 12 लाख ही खर्च हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो सरकारी सिस्टम में गया होगा ना। देखिए ये जो जिस तरह से हुआ है मैं बार बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मैंने भी उस वक्त मांग की थी कि जो भी दोषी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अपने हिसाब से ईमानदारी से काम कर रही है। सर जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा में गए थे तब आप कह रहे थे कि हमारे जो लोग हैं, जो आपके शायद आपके समाज के लोग हैं जिनके आप जिक्र करते हैं, उनकी भलाई के लिए हमें सरकार जो पार्टी सत्ता में हो उसके साथ काम करना होगा। कांग्रेस लंबे अगले 20-22 सालों तक सरकार में आने की कोई उनकी उम्मीद नहीं है। आप 3 साल से भाजपा में हैं, आप विधायक नहीं रहे लेकिन आप बड़े नेता हैं, हमें आंकड़ों में बता सकते हैं कि आपने जिस समाज को आप लीड करते हैं उनकी भलाई के लिए सरकार से क्या क्या करवा दिया आंकड़ों में? सर ये आंकड़ों की बात मत कीजिए आप। एक सरकार जो सरकार सभी वर्ग के लिए काम कर रही है, पिछड़ों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, सबकी भलाई के लिए काम कर रही है। आने वाला वक्त आने दीजिए, जब मुझे मौका मिलेगा मैं वो सब कुछ उनके घर तक ले जाऊँगा, उनके अंधेरे गलियारों तक उजाला ले जाऊंगा, मुझे आने दीजिए। सर आपको लगता है कि वो उनके जहाँ जिनकी आप बात करें वो अंधेरा है, और अंधेरा 27 साल में दूर क्यों नहीं हुआ? देखिए जिन लोगों के लिए मेरे सपने हैं वो अलग तरह के, एक सरकार की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा आरोग्य उनके रोजगार की वो बखूबी निभा रही है। बट मैं मुझे जब मौका मिलेगा कि उनकी जरूरत क्या है वो मुझे पता है तो मैं आऊँगा, तब मैं उसका अच्छी तरीके से जवाब दे पाऊंगा। क्या क्या काम करेंगे हमें 2-4 अगर काम आप बता सके प्लीज। मैं आपको बोलूँ ना, मैं जब आऊंगा तब मैं जो करने वाला हूँ वो दिखेगा। एक आखिरी 1-2 सवाल है कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी यहाँ आई है जो काफी देख प्रचार हो रहा है, माना जा रहा है कि कांग्रेस लड़ाई आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है, आप किसको यहाँ लड़ाई में देखते हैं खासकर अपनी सीट पर और गुजरात में भी? गुजरात में मैं भाजपा की लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं देखता हूँ। नंबर 1 भाजपा है, नंबर 2 और 3 की लड़ाई चल रही है, उसमें हमें नहीं पड़ना है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है और उसकी बहुत सारा रीज़न है। वो गुजरात लोगों ने देखा है जो दंगों के अंदर पड़ा रहता था, गुजरात में आए दिन दंगे होते थे, वो गुजरात देखा है लोगों ने कि जहाँ पे भाई राज था, वो गुजरात लोगों ने देखा है जिसकी सड़कें खस्ता हाल थी, वो गुजरात लोगों ने देखा है जहाँ किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँच रहा था, वो गुजरात देखा है लोगों ने जहाँ अकाल हर 2-5 साल में होता था, वो गुजरात लोगों ने देखा है जहाँ शिक्षा आरोग्य की सुविधाएं बहुत कम थी, वो गुजरात लोगों ने देखा है जहाँ के नेता जहाँ की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी। इन 27 सालों में गुजरात बदला है, अहमदाबाद गांधीनगर बदला है, गुजरात के गाँव बदले हैं, गुजरात के लोगों का रहन ढहन बदला है, तो वो गुजरात लोगों ने देखा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात के अंदर भाजपा के खिलाफ किसी की फाइट नहीं है, इन 2 पार्टियों की अपने अंदरूनी फाइट है, वो लड़े। हम गुजरात की सेवा, गुजरातियों की सेवा में कोई कमी नहीं रखना चाहते और गुजरातियों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसके दम पे बोल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार अब भी बनेगी। नरेंद्र मोदी साहब को, अमित भाई शाह साहब को, भूपेंद्र भाई पटेल और सीआर पाटिल साहब को, इन सब पे गुजरातियों को भरोसा है और उनके नेतृत्व में ही सरकार जीतेगी। आपने दंगों का जिक्र किया तो 2 सवाल है मेरा, आप एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। पहला सवाल है कि नरोदा पाटिया से जिनको टिकट मिला है उनके पिता वहाँ की घटना के आरोपी थे, और दूसरा बिल्किस बानो का मामला, अगर दोनों का आप जवाब देने प्लीज। देखिए मैं बिल्किस बानो में तो बोल चुका हूँ कि जो भी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला है और उसको किसी जाति धर्म से कोई कंपेयर करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बट एक महिला है, उसके जो भी दोषी थे उनके साथ कोई रियायत या नहीं होनी चाहिए और उन सबके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये नरोदा पार्टी में जो टिकट मिला मुझे नहीं पता है, वो मुझे नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश जी, आपके चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये थे अल्पेश ठाकुर जिन्होंने कहा कि भाजपा गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नंबर 2 और 3 की है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज यह है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।